नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ की गई मारपीट और अधिवक्ता की हत्या को लेकर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बांगरमऊ तहसील के अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया और नारेबाजी कर प्रमुख सचिव व डीजीपी का पुतला फूंका, साथ ही रजिस्ट्रार कार्यालय में काम बंद कराया। जनपद हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ की गई बर्बरता और अधिवक्ताओं की हो रही हत्याओं के विरोध में बांगरमऊ तहसील के अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश व्याप्त किया। तहसील परिसर में प्रमुख सचिव और डीजीपी का पुतला फूंका। तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय में हो रहे बैनामे को बंद करा दिया। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते वादकारियों और बैनामा क्रेता विक्रेताओं को परेशानी उठानी पड़ी। प्रदर्शन में बार अध्यक्ष राम भरोसे वर्मा, सत्यपाल वर्मा, सुभाष चंद्र शुक्ला, श्रीकांत द्विवेदी, मुजम्मिल अहमद, छोटेलाल गौतम, मनोज सेंगर, प्रतीक कटियार, मनोज गौतम, परवेज आलम, विनोद यादव, योगेश लोधी, महमूद आलम, शुरव श्रीवास्तव सहित तमाम अधिवक्ता और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद रहा। जमीर खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।